गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोलरिटी के बारे में, ठीक है। मैंने आप लोगों को मोलरिटी से रिलेट करती हुई कुछ बातें बताई थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक लीटर आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के जितने मोल डिसॉल्व हैं उसे हम क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। और भी हमने छोटी छोटी बातें डिस्कस की थी मोलरिटी के बारे में। आज की क्लास में मेनली हम डिस्कस करेंगे एक नया कंसंट्रेशन टर्म विच इज मोलरिटी। कौन सा? मोलरिटी, ठीक है। अलग होता है मोलरिटी से, काफी अलग होता है, देखेंगे आज उसको हम, ठीक है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, याद रखना इस बात को, एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जो कि इस चैप्टर में आपके बड़ा काम आने वाला है, तो इसको भी ध्यान से देखना है। अच्छा, अब मैं आपको आगे मोलरिटी के बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ। मोलरिटी का है ना, मोलरिटी पूछी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आ रही थी, ठीक है, एनसीईआरटी में से उठाया मैंने, 12वीं में से, है ना। तो इसमें दिक्कत आ रही थी, तो एक बार इसको देख लेते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 × 10⁻¹⁶, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। पूछा क्या है? मोलरिटी पूछी। गिवन क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका? CuS का। और CuS की क्या पूछी आपसे? मोलरिटी, ठीक है। अब सर मोलरिटी निकाल तो ले, ठीक है, पर हमें सर दो बातें चाहिए, दो चीजें चाहिए उसके लिए। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और साथ में सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। सर आपने कुछ भी नहीं, और ना हमें कोई आइडिया है कि इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचा जाए, पहुंचना भी नहीं, ठीक है। आपको केवल नॉलेज होनी चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने लिखा है इसका मीनिंग क्या है। आपको याद हो तो 11th क्लास में आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। पढ़ा था सर, बिल्कुल याद है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ध्यान है? नहीं सर, ये ध्यान नहीं है। ध्यान आ जाएगा, एक बार एनसीईआरटी उठा के देखना 11th क्लास की, ठीक है, वहां आपको ये टॉपिक मिलेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अल्दो मैं अभी जितना इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जरूरत है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है ये जानने की, सॉल्युबिलिटी क्या होती है जानने की, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक बार 11th की एनसीईआरटी में से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को पढ़ लें, तब बहुत आसान लगेगा आपको ये क्वेश्चन। अच्छा सुनो, सुनो क्या कह रहा सवाल, कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, मोलरिटी बताओ। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, है ना। सबसे पहले अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, है ना, एक छोटी सी बात डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ कि सर व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ऑल्दो ये बहुत डेप्थ का टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना, ये सॉल्युबिलिटी की हम बात करें बहुत डेप्थ का टॉपिक है, पर अभी मैं आपको जितना जरूरत है उतना बता दे रहा हूं, 5-7 मिनट में आपको डेप्थ में पढ़ना है, तो एक बार 11th की एनसीईआरटी उठाएं, उसमें से आयनिक इक्विलिब्रियम को रीड कर लें, ठीक है। सुनो सुनो क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सुने। जस्ट इमेजिन मेरे पास कोई सॉल्ट है, है ना, कोई सॉल्ट है मेरे पास ए, ठीक, मैंने सॉलिड फॉर्म में है, है ना, मैंने इसको पानी में डाला, तो सर पानी में डालने पर ये कन्वर्ट होगा किसमें, एक्वस में, आई एम सॉरी ए बी एक्वस में, सही बात है, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई सॉलिड था पानी में डाला किसमें, चला गया एक्वस में। अब सिंस मैंने कहा कि ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्लियर हो गई बात नहीं, अरे सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कि नहीं होते, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सर जो अपने कैटायन और एनायन में टूट जाए पानी में डालने पर, हाँ है ना, तो ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा सिंस ये सॉल्ट है। और अगर नहीं भी है अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं आपको बता दूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात हम तब ही करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कोई अच्छा हो, है ना, जो कैटायन और एनायन बना ले सॉल्यूशन में जाकर, क्लियर हो गई बात मेरी, जो कैटायन और एनायन बना ले। तो हम यहां अजम्पशन भी लेके चलते हैं कि ए बी जो है वो एक बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट है। आर यू गेटिंग दिस? फिर से सुनो मैंने क्या कहा, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास एक सॉल्ट है ए बी, मैंने इसको पानी में डाला, ये ए बी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। अब मैं कह रहा हूं कि ये एक अजम्पशन माना मैंने कि एक बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट है। अब सर अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन के अंदर ये चला जाएगा A+ और B- की फॉर्म में, सही है, ये भी एक्वस और
ये भी है बस। बोलो इतनी बात समझ में आती है, क्लियर होती है इतनी बात कि जब सॉल्यूशन में आप इसको डालोगे तो एक्चुअली में ये इस फॉर्म में जाने के बाद कहां चला जाएगा, a प्लस और b माइनस में। तो ओवरऑल मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, जरा बताना मेरे को कि a b सॉलिड से गया उसके आयंस a प्लस प्लस b माइनस में। बोलो क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। देखो ये आना बहुत जरूरी है, ये आना बहुत जरूरी है, वापस से सुन लो एक बार। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इतना कहा, मैंने कहा कि एक सॉलिड सॉल्ट है आपके पास, उसको आपने पानी में डाला, एक्वस फॉर्म में गया, एक्वस फॉर्म में जाकर अपने आयंस में टूट गया। क्लियर हो रही है बात ये a प्लस और b माइनस में, ठीक है। अच्छा बहुत आसान सी बात थी, अब सुनो 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 सुनो, मैंने कहा कि मुझे इस रिएक्शन के लिए, अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा है ना, मैंने कहा कि मुझे इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। सर आपने कहा कि निकालना है, हम निकाल देते हैं, k इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ a प्लस आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b माइनस आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ab। बोलो सही, अरे ऐसे तो निकालते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, निकाल ली सर। क्लियर होती है बात ये। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहां पर ab किस फॉर्म में है, सॉरी बोलो हाय ना, अरे ए बी कौन किस फॉर्म में है, सॉलिड। अब सर हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड की कंसंट्रेशन जब भी इक्विलिब्रियम में हो, कोई सॉलिड एक्वस फॉर्म के साथ या लिक्विड फॉर्म के साथ या आयनिक फॉर्म के साथ, तो सर हमने पढ़ा था कि सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। बोलो हाय ना, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कहते हैं, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ऊपर चला जाएगा कि ए बी will be equals to a plus की concentration और b minus की concentration। बोलो clear होती है बात इतनी, कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा k constant, a b constant, तो यहाँ से आया एक नया constant जिसको मैंने कहा ksp। Are you getting this or not? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भैया इसका equilibrium constant क्या होगा? k equilibrium। आपने कहा सर product की concentration divided by reactant की concentration। फिर मैंने कहा कि ए बी सिंस सॉलिड फॉर्म में है तो कांस्टेंट होगी इसकी कंसंट्रेशन, कांस्टेंट वैल्यू को ऊपर लेके गया तो ये चीज आ गई। फिर हमने कहा कि ये पूरी वैल्यू भी तो एक कांस्टेंट है, अरे ए बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आया के एस पी, इक्विलिब्रियम सॉरी के एस पी। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, पहले लिख लेते हैं, ksp will be equals to a plus की concentration और b minus की concentration, और इसको हम कहते हैं solubility product। क्या कहते हैं? solubility product। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है ना, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं पांच मिनट बाद। अभी मैंने आपको इतना समझाया कि solubility product क्या होता है, ठीक है, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ठीक है, वहां पर आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेशियो निकाला, प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था वो सॉल्ट था, सॉल्ट था तो सॉलिड था, सॉलिड होता है ना सॉल्ट अपनी प्योर फॉर्म में, तो ये भी कांस्टेंट था, ऊपर जाके एक नया कांस्टेंट बनाएगा ks, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा अब सुनो दूसरी बात, एक और बात सुनो सॉल्युबिलिटी के बारे में, किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सुनो सुनो सुनो, बहुत तरह से डिफाइन है वैसे सॉल्युबिलिटी। एक जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है कि एक लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है पूरा लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मेरे पास कोई सॉल्ट है, ठीक है, उस सॉल्ट के मैंने कुछ मोल डाले है ना, कुछ मोल डाले, क्या जरूरी है सारे के सारे मोल डिसॉल्व हो जाएंगे? जस्ट इमेजिन कि वो सॉल्ट स्प्रिंगली सॉल्युबल है ना, मतलब बहुत कम सॉल्युबल है, तो उसके कुछ मोल ही डिसॉल्व होंगे। हाँ हाईली सॉल्युबल होगा, जैसे NaCl जैसा सॉल्ट है तो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन AgCl जैसा सॉल्ट हो तो, AgCl बहुत कम डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, सॉल्ट है पर कम डिसॉल्व होता है, क्लियर हो रही है बात मेरी? तो मैंने डाला AgCl का एक मोल, पर क्या जरूरी है वो एक मोल का एक मोल डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, कुछ हो सकता है 0.2 मोल डिसॉल्व हो सकता है 0.4 मोल डिसॉल्व हो, आर यू गेटिंग दिस, में क्या कह रहा, हो सकता है 0.6 मोल डिसॉल्व हो, तो जितने मोल डिसॉल्व है एक लीटर सॉल्यूशन में उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी आपको दिख रहा है यहाँ पे, निकाली जा सकती है किसमें, मोल्स पर लीटर। अरे डेफिनेशन से पकड़ो ना इमीडिएट यार,
कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो गई है बात? अल्दो सॉल्युबिलिटी को हम ग्राम पर लीटर भी निकाल देते हैं, है ना, ग्राम पर 100 ml में भी निकालते हैं कि 100 ml में कितने ग्राम डिसॉल्व है। यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज सॉल्युबिलिटी, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर। हाँ कि ना, इतना समझ आया है ना। छोड़ दो अभी मोलरिटी को, दो मिनट के लिए छोड़ दो साइड में, अगर ये सवाल अच्छे से समझना है तो सवाल को छोड़ दो, इसको समझो कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, भूल जाओ मोलरिटी क्या होती है, दो मिनट के लिए पहले सॉल्युबिलिटी को समझो कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ मैं जानता हूं इसी को मोलरिटी कहते हैं, पर दो मिनट के लिए छोड़ दो उसको, अभी इसको क्या पढ़ो, सॉल्युबिलिटी। क्लियर इतना? अच्छा अब सुनो 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 सुनो, मेरे पास इसको देखना ध्यान से, इस रिएक्शन को मैं वापस लिख रहा हूँ, कहाँ गई ये लिख ली, ये देखो इस रिएक्शन को मैं वापस लिख रहा हूँ। मेरे पास था ए बी सॉलिड, ठीक है, ये डिसॉल्व हुआ किसमें, डिसॉल्व हुआ एक्वस फॉर्म में, और लास्ट में इसने क्या बनाया सर, ए प्लस प्लस बी माइनस। फील लेना अच्छे से, जस्ट इमेजिन मेरे पास इसका इनिशियली एक मोल था, ठीक है, इनिशियली बात कर रहा हूँ, इसके जीरो थे और इसके भी जीरो थे इनिशियली, भाई शुरू शुरू में इसका एक मोल था, इसके जीरो और इसके जीरो। अब मैंने कहा कि हो सकता है ये सॉल्ट पूरी तरह डिसॉल्व हो, है ना, हो सकता है ये सॉल्ट पूरी तरह डिसॉल्व ना हो, बोलो क्लियर हो गई बात, नहीं हो सकता है ये सॉल्ट पूरी तरह डिसॉल्व हो सकता है पूरी तरह डिसॉल्व ना हो। हमने कहा कि इसका एक मोल जो था उसमें से S मोल निकल गए, कितने S मोल निकल गए, कितने बचे 1 माइनस S, मतलब भाई मैंने क्या किया है, सुनो ध्यान से सुनो, मेरे पास मैंने यहाँ 1 लीटर पानी लिया, कितना पानी लिया 1 लीटर पानी लिया, मैंने इसमें एक मोल डाला किसका, इस सॉल्ट ए बी का, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये सॉल्ट जो ए बी है ये पूरी तरह डिसॉल्व नहीं है, ये पूरी तरह डिसॉल्व नहीं है, मैं कह रहा हूं इस बात को, है ना, मैंने कहा कि इसके एक मोल में से एस मोल डिसॉल्व कर गए, कितने मोल डिसॉल्व कर गए एस, आर यू गेटिंग दिस और नॉट, ठीक है, इसके कितने मोल डिसॉल्व कर गए एस मोल, तो कितने बचे सर 1 माइनस एस, सही बात है, कितने बचे 1 माइनस एस। अच्छा सुनो, अगर इसका एक मोल होता, इसका एक मोल डिसॉल्व कर जाता पूरा का पूरा, तो सॉल्यूशन में जाने के बाद इसके कितने मोल बनते, एक मोल, इसके कितने मोल बनते एक मोल। क्लियर हो रही है बात मेरी? अरे भाई स्टाइकियोमेट्री पढ़ो ना, स्टाइकियोमेट्री पढ़ो, अगर ये एक मोल सॉल्यूशन में जाने के बाद ये पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, इसका एक मोल पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, तो इसके कितने मोल बनते सर एक मोल, इसके कितने मोल बनते एक मोल। मान लो ये दो मोल होता तो इसके कितने मोल बनते, डिसॉल्व हो जाते पूरे के पूरे, तो इसके दो मोल बनते और इसके दो मोल बनते, हाँ या ना, स्टोइकोमेट्री बताइए रिएक्शन की। अभी मैंने कहा कि इसका आपके पास एक मोल नहीं था, एक मोल डिसॉल्व नहीं हुआ, इसके डिसॉल्व हुए एस मोल, कितने बचे 1 माइनस एस, इसका एक डिसॉल्व होके इसका एक बनाता, इसका एक बनाता, इसके एस डिसॉल्व होके इसके एस मोल बनाएंगे और इसके एस मोल बनाएंगे, हाँ कि ना। अरे भाई इसके एस मोल डिसॉल्व होके इसके एस मोल बनाएंगे और इसके एस मोल बनाएंगे, आर यू गेटिंग दिस, मैं क्या कह रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे सुनो। अभी बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी की। सर आपने अभी बताया केएसपी इज इक्वल्स टू ए प्लस की कंसंट्रेशन और बी माइनस की कंसंट्रेशन, क्लियर हो रही है बात मेरी, क्लियर हो रही है। अच्छा सर ए प्लस की कंसंट्रेशन कितनी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सर एस, अरे कितने मोल बने ए प्लस के एस, अच्छा बी प्लस की कितनी एस, तो सर ए प्लस की कंसंट्रेशन एस, बी प्लस बी माइनस की एस, तो सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल होगा एस स्क्वायर की, बोलो हाँ या ना। इस पर्टिकुलर सॉल्ट ए बी टू ए बी के लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा एस स्क्वायर, क्लियर हो गई बात मेरी, कोई दिक्कत ना आता, ठीक है, अभी समझ में आएगा मैं इतनी रामकहानी क्यों बता रहा हूँ, इतना क्लियर होता है ना आप लोगों को। अब सुनो मुझे इस क्वेश्चन पर आते हैं, मुझे क्या निकालना है मैक्सिमम मोलरिटी। अच्छा मैक्सिमम मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्युबिलिटी। अच्छा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के नाम पर कुछ नजर आ रहा है क्या सर, एस, कितना क्या नजर आ रहा है एस, क्लियर हो गई बात मेरी। अरे भाई सुनो समझो देखो क्या कहा मैंने,
कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग, इतना समझ में आया तो आप लोगों को सुनना ध्यान से। मैंने एक चीज निकाली यहां पर कि इसके कितने मोल डिसॉल्व हुए हैं, S मोल डिसॉल्व हुए हैं, और इसके S मोल ने इसके S मोल बनाए, इसके S मोल बनाए। अगर मुझे ये S पता लग जाए तो मुझे सॉल्युबिलिटी पता लग जाएगी, और सॉल्युबिलिटी मींस मुझे मोलरिटी पता लग जाएगी कि सॉल्युबिलिटी को डिफाइन ही ऐसे किया है हमने कि कितने मोल डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। हाँ या ना? अब ये S कैसे फाइंड करें सर? तो आप कर सकते हैं यहां से फाइंड। सुनो, यहां से आपको दिया हुआ है कि SP क्वेश्चन में गिवन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 6 × 10⁻⁶, 6 × 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू S स्क्वायर। क्लियर हो गई बात मेरी? S इज इक्वल्स टू क्या होगा यहां से, अंडर रूट 6 × 10⁻⁶, व्हिच इज इक्वल्स टू 6 का अंडर रूट क्या होगा, 2.45 और 10⁻⁸ मोल्स पर लीटर। आपकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2.45 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। क्लियर है बात मेरी? यही क्या है, यही क्या है मोलरिटी, मोल पर लीटर। क्लियर हुई बात मेरी? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, मैं समझ रहा हूं कि थोड़ी सी दिक्कत शायद आपको आ सकती है अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, है ना, थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है आपको अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। फिर से सुन ले, मैंने कहा कि ए बी मेरे पास कोई सॉल्ट, ठीक है, सॉलिड में, और मैं कह रहा हूं इस बार कि फाइनली ये जाके क्या बनाएगा सॉल्यूशन में, ए प्लस और बी माइनस, क्या बनाने वाला है सॉल्यूशन में, ए प्लस और बी माइनस। मैंने कहा इनिशियल इसका एक मोल था, इसके जीरो और इसके जीरो। क्लियर है बात मेरी? फिर मैंने कहा कि इसके एस मोल डिसॉल्व हो गए, अब ये एस मोल ही तो निकाल लें। हाँ है ना? अरे मैंने आपसे कहा कि इसके एस मोल डिसॉल्व हो गए, एस मोल डिसॉल्व हो गए, तो यही तो निकालने हैं कि सॉल्ट के कितने मोल डिसॉल्व हुए। क्लियर हुई है बात मेरी? और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब 1 लीटर में निकाल रहे हैं, इस बात की टेंशन मत लेना। आप कहोगे सर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम हमने कितना माना हुआ है, 1 लीटर माना हुआ है। क्लियर हो रही है बात मेरी? फिर से सुन लो भाई, एस मोल डिसॉल्व हुए यही तो निकालना है। क्लियर है? इसके एस मोल डिसॉल्व हो गए, इसके एस मोल बनाते हैं, इसके एस मोल बनाते हैं। मैंने कहा कि Ksp फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू a प्लस की कंसंट्रेशन इनटू b माइनस की कंसंट्रेशन व्हिच इज इक्वल्स टू s स्क्वायर। मुझे s स्क्वायर दो भी चाहिए, मुझे तो s चाहिए, ये s और ये s बराबर ही तो होंगे। s निकाल लो, कैसे निकालेंगे सर, s स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट Ksp। क्लियर हो रही है बात मेरी? कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है? तो इस तरह से आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो इस बात पर भी डिपेंड करेंगे कि आपका सॉल्ट कैसा टाइप का है। मैंने यहां किस टाइप का सॉल्ट किया है, ए बी टाइप का, अरे सी यू एस, ए बी टाइप का सॉल्ट है ना। जस्ट इमेजिन कि यहां ले लेता वो AlCl3, तो आप एस स्क्वायर मत करना, है ना। AlCl3 कैसे जाएगा सॉल्यूशन में, AlCl3 टूटेगा कैसे, सॉलिड से टूटेगा, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, बोलो हाँ है ना, ठीक है। इसका एक मोल शुरू में, इसके जीरो, इसके जीरो, मैंने कहा इसके S मोल निकल गए तो इसके S बनेंगे, और इसके कितने बनेंगे, 3S। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? इसके कितने बनेंगे, 3S बनेंगे। तो यहाँ Ksp किसके इक्वल होगा बता सकते हो, S इंटू S की कंसंट्रेशन की पावर 3। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है? तो अब देख लेना क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर, है ना, S की पावर 4 हो जाएगी, S की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। और 3s³ आएगा, एक्चुअली 3s³ आएगा, आई एम सॉरी 3s की पावर 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप आगे और S की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? Ksp आपको गिवन होगा, कांस्टेंट है ना, तो Ksp आपको गिवन होगा, और वहां से आपको किस पर पहुंचना पड़ेगा, मोलरिटी पर, ठीक है। अब भी आपको अगर समझ में नहीं आई हो बात तो आप मेरे को एक बार फिर से कह दें, है ना, मैं एक बार पूरा कांसेप्ट ये पढ़ा दूंगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कि क्या है। मैंने जल्दी बताने की कोशिश की है ना, कि जल्दी से इसको मैं बता पाऊं आपको, है ना। इतना ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है ना, वहां पर S की वैल्यू निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगी, मोलरिटी मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। क्वेश्चन देखें अगला, जो मैंने आपको दिया था करने के लिए, और इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी कुछ बच्चों को, कुछ ने कर लिया था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या था कि 30 ml ऑफ 0.5 ml H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, फाइंड मोलरिटी। आपको क्या निकालना था यहां भी,
मोलरिटी। तो इसमें और दिक्कत आई थी नहीं आनी चाहिए थी, ये तो आसान सवाल था। सुनो क्या कह रहा है कि मेरे पास 30 ml है 0.5 m H2SO4 का, इसको डाइल्यूट किया जाता है, तो डाइल्यूट करके वॉल्यूम कितना कर दिया 500 ml। अच्छा डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझाओ। सर डाइल्यूट करने का मतलब होता है पानी मिलाना, है ना। जस्ट इमेजिन मेरे पास कोई सॉल्यूशन है ना, और सॉल्यूशन का कितना ml है 30 ml है ना, H2SO4 का कितना ml है 30 ml, ठीक है। इसमें H2SO4 के मोल कितने हैं 0.5, H2SO4 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, एक लीटर में कितने होंगे 0.5, देख लेना निकाल लेना, मोल्स निकाल सकते हो ना यहां से H2SO4 के, निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लोगे, या मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी कितनी 0.5 और वॉल्यूम कितना 30। अच्छा ये ml में है तो 1000 से डिवाइड कर देना इसको, ठीक है। तो सर नंबर ऑफ मोल्स तो आ गया हमारे पास, है ना, किसके H2SO4 के, ठीक है। अब आपने इसको डाइल्यूट किया 500 ml तक, और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या मिला रहे हो इसमें, वाटर मिक्स कर रहे हो, सही बात है। क्या H2SO4 के मोल्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे भाई आप पानी मिला रहे हो, सॉल्यूशन में पहले आपने H2SO4 के इतने मोल डाले, अब पानी मिलाने पर H2SO4 के मोल कम हो जाएंगे क्या सॉल्यूशन में से, मोल निकाल थोड़ी रहे हो। डाइल्यूट करने का मतलब समझ रहे हो, पानी मिला रहे हो, निकाल नहीं रहे H2SO4 को, उसमें पानी डाल रहे हो, ठीक है। तो अब आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना किया 500 ml, ठीक है, मोल्स अभी भी उतने, पर क्या मोलरिटी इतनी रहेगी? नहीं, मोलरिटी चेंज हो जाएगी। अरे भाई पहले 30 ml में इतने मोल थे, अब 500 ml में इतने मोल है, सही बात है, तो मोलरिटी पर फर्क पड़ेगा। तो निकाल सकते हो ना, आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे दिया 500 ml, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं H2SO4 के, फर्स्ट इंफॉर्मेशन से कलेक्ट कर लोगे आप, ठीक है, तो आपके पास मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी इज इक्वल्स टू बोलो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, और आपने ये निकाला हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर हो गई बात मेरी। अब ml में है तो मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, कर सकते हैं इस तरह से। एक और तरीका इस सवाल को करने का जहां से एक फॉर्मूला भी निकलेगा, देखो जरा आराम से, ये ज्यादा अच्छे से आना चाहिए आपको, है ना, ये तो अल्टरनेटिव तरीका था, ठीक है। जो मेन तरीका इस क्वेश्चन को करने का वो मैं सिखा रहा हूँ आपको, साथ में ये तरीका आपके प्रैक्टिकल में जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको, सुनो, मैंने कहा कि मेरे पास इनिशियली 30 ml है, किसका H2SO4 सॉल्यूशन का, टोटल सॉल्यूशन का कितना है 30 ml, तो क्या मैं इसको V1 लिख दूं, वॉल्यूम है ना कितना 30 ml, ठीक। मेरे पास मोलरिटी गिवन है इनिशियली क्या मोलरिटी है, मैंने इसको लिखा m1, है ना, कितनी है 0.5 ml, बोलो कोई दिक्कत वाली बात, ये इनिशियली है। फिर मैंने क्या किया, डाइल्यूट किया, तो वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml, सही, ठीक है। अच्छा मोलरिटी मुझसे पूछी है कि 500 करने के बाद मोलरिटी कितनी होगी, सही बात है। अच्छा सर मोलरिटी निकाल तो दूं पर मोल्स पता होना चाहिए, पहले एक बात समझो कि जितने मोल यहां होंगे सॉल्यूशन में H2SO4 के उतने मोल यहां होंगे, अभी एक्सप्लेन किया मैंने। अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी बदले हैं क्या, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही हैं H2SO4 के, डाइल्यूट किया मतलब पानी मिला दिया, समझ रहे हैं बात में, ठीक है। तो यहां पर मैंने माना मोल्स कितने हैं n, तो यहां भी मोल्स कितने होंगे n, बोलो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अच्छा सुनो क्या मैं लिख दूं यहां पे कि n इज इक्वल्स टू, या इस तरह से, ये इस तरह से कि m1 इज इक्वल्स टू n अपॉन में v1, क्लियर हो गई बात मेरी भाई, m1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में v1, क्लियर हो गई बात मेरी। यहां मैं लिख सकता हूं इसके लिए m2 इज इक्वल्स टू n अपॉन में v2, बोलो क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। अच्छा यहां से n इज इक्वल्स टू क्या होगा, सर m1 v1, क्लियर हो गई बात मेरी। यहां से n इज इक्वल्स टू क्या होगा सर m2 v2, बोलो क्लियर होती है बात। अरे यहां से n = m2 v1, n = m2 v2, क्लियर है। इसको डाला इक्वेशन 1, इसको डाला इक्वेशन 2,
एन से कटा एन, दोनों को मैंने डिवाइड किया है, बोलना भूल गया है ना, क्या किया इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, मैंने कहा इक्वेशन वन अलवा बिल्कुल डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू, तो एन से कट गया एन, क्या आ गया यहाँ पर एम वन वी वन है ना इज इक्वल्स टू एम टू वी टू, डिवाइड में चला जाएगा फिर इक्वल ले सकते हो ना, एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है क्लियर होती है इतनी बात यहाँ तक। तो M1 की वैल्यू आपके पास है कितनी 0.5, आसान तरीका है बहुत, V1 कितना है आपके पास 30, M2 कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हैं, V2 कितना गिवन है आपको 500, यहाँ से आप क्या निकाल दोगे मोलरिटी, क्लियर होती है बात मेरी, तो आसान सवाल था है ना, इसको भी देख लें एक बार, और इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप वापस पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वापस पूछने में। चलिए तो ये मोलरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो रहे थे है ना, कुछ बच्चों ने कर भी लिए थे बहुत बढ़िया भाई, कुछ बच्चों ने कर भी लिए थे है ना, कुछ बच्चों से नहीं हुए थे कोई बात नहीं है ना, आगे हो जाएंगे अब शायद। चलिए अगला सवाल अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पर पहुंचते हैं विच इज मोलरिटी, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है हमारा मोलरिटी। अब पहले तो इसको डिफाइन करते हैं मोलरिटी का मतलब क्या है, अच्छा मोलरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ नहीं है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, क्या लिखा सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे सब सॉल्यूशन को लेके कर रहे थे, ये पहला कंसंट्रेशन टर्म है हमारे थर्ड लेक्चर का, तीन लेक्चर शायद में कंसंट्रेशन टर्म्स का है, थर्ड या फोर्थ लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में पहुंच गए, पर ये पहला कंसंट्रेशन टर्म है जो ये बताता है कि कितने सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स मिले हुए, बाकी सब क्या बता रहे थे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट, ये क्या बता रहा पहला कंसंट्रेशन टर्म कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट बता क्या रहा सुन लो कि हाउ मच मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट कि आपके पास अगर 1 kg सॉल्वेंट है तो उसमें कितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व है उसको हम क्या कह रहे हैं मोलरिटी, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मोलरिटी को कर रहे थे कैपिटल m से, इसको करेंगे स्मॉल m से, क्लियर है फिर से कि हाउ मच मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। अच्छा मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 1 kg सॉल्वेंट है वाटर है उसमें किसी सॉल्यूट के 4 moles डिसॉल्व है तो मतलब उसकी मोलरिटी क्या है सर 4 mole per kg, हाँ कि ना, मैंने कहा 6 kg मेरे पास 2 kg मेरे पास 2 kg मेरे पास वाटर है उसमें 4 mole डिसॉल्व है किसके सॉल्यूट के तो मोलरिटी क्या है सर 2 moles per kg, हाँ कि ना, यही तो आई ना, कैसे निकाला सर मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो किया ना आपने तो फॉर्मूला भी आप बना लेंगे, आसान सी बात है कि सर मोलरिटी शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अरे ऐसे ही तो निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान दें बार बार कह रहा हूं कि मोलरिटी निकाली जाती है सॉल्वेंट से और सॉल्वेंट का भी क्या लिया जाता है मास और मास किसमें केजी में, बोलो क्लियर बात मेरी, ठीक है। अब बात करें सर इसकी यूनिट की तो देखो ऊपर क्या है मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट आई एम सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या है मतलब गलती करते ही एकदम आंखें चमक जाती होंगी आप क्यों रे इसने गलत लिख दिया है ना, हो जाती है, चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर क्या लिखना है आपको मोल्स, ठीक है यूनिट लिखना है ना मोल्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिया है मास तो मोल पर केजी, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मोल्स पर केजी, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है इसी को हम कहते हैं मोलल, क्या बोलते हैं मोलल, अच्छा मोल पर लीटर को क्या कह रहे थे मोलर, मोल्स पर केजी को क्या कह रहे हैं मोलर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से, क्लियर हो गई बात मेरी, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई
स्मॉल एम से, कोई दिक्कत वाली बात ठीक है। अच्छा कुछ और बातें इसके बारे में की जा सकती हैं, जैसे कि सर मुझे सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में ना देके ग्राम में दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां जो किया था मोलरिटी में, मोलरिटी आई ना तो इसमें कुछ खास नहीं है नया। मोलरिटी क्या हो जाएगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट W, और मैं कह रहा हूं ये किसमें दिया है ग्राम में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 1000 से, जानते हो ना 1 kg is equals to 1000 ग्राम, जानते हो ना 1 kg is equals to 1000 ग्राम। अच्छा क्लियर होती है बात इतनी, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा अब जैसी बातें वहां की थी वो भी यहां कर ले, कि कई बार आपको क्वेश्चन में लिख के दे देगा कि मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन, मेरे पास बाय मोलर सॉल्यूशन है, मेरे पास सेमी मोलर सॉल्यूशन है, तो इनवर्ट्स का मतलब यहां भी वही है जो वहां था, क्या कि अगर आपसे कहे कि आपके पास जो सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो लिख कर ना दे और केवल लिख के दे दे मोलर सॉल्यूशन, तो मतलब मोलरिटी कितनी 1 m, ठीक है। आपको वो लिख के दे दे कि आपका सॉल्यूशन बाय मोलर है, कैसा है बाय मोलर, तो मोलरिटी कितनी 2 m, ध्यान रखना स्मॉल m लिख के देगा वो आपको, अगर इस तरह लिख के देगा तो कैपिटल m मतलब मोलरिटी, स्मॉल m मतलब मोलरिटी, कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे कह दे सेमी मोलर है मतलब क्या इसका 0.5 m, ठीक है। आपसे लिख के कह दे कि भाई मेरे पास तो डेसी मोलर है सॉल्यूशन, कैसा है डेसी मोलर, दैट मींस 0.1 m, ठीक है कर सकते हैं आप आगे, सेंटीमोलर मतलब 1/100 या 0.01 m लिख देता हूं, वो भी सेंटीमोलर और हो सकता है, सेंटीमोलर इज इक्वल्स टू 0.01 स्मॉल है, क्लियर होती है बात मेरी, तो ये चीजें आपको लिख के दे सकता है। फिर से सुन ले, मोलरिटी मतलब एक केजी सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व है उसको हम क्या कहेंगे मोलरिटी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके भी, एक दो है ना, एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके जिससे आपको क्लियरिटी आएगी, ऐसे कर लेंगे यार, बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है मोलरिटी 1 liter सॉल्यूशन में से निकाली जाती है, मोलरिटी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट से निकाली जाती है, ध्यान रहेगा ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके भी। क्वेश्चन है फाइंड द मोलरिटी ऑफ अ 15% m/m परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। क्या कह रहा है कि आपको मोलरिटी निकालनी है, आपके पास H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका मास बाय मास परसेंटेज कितना है 15%। चलो कोशिश करते हैं निकालने की। एक बात मैं आपको बता दूं कि कई बार वो 15% लिख के दे देता है केवल क्वेश्चंस में, है ना, 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अगर वो आपको स्पेसिफाई ना करे कि कौन सा कंसेंट्रेशन टर्म है तो आपको कौन सा मानना है मास बाय मास परसेंटेज, समझ में आई बात मेरी, है ना, मतलब हर चीज के लिए तैयार रहना है आपको, है ना, छोटी से छोटी बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर वो ये लिख के ना दे, वैसे 99% केसेस में देगा पर लिख के ना भी दे तो कौन सी माननी है मास बाय मास परसेंटेज, है ना, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा या मास बाय वॉल्यूम होगा तो 100% लिख के देगा, यहाँ कभी कभी रेयर केस में लिख के नहीं देता, अल्दो यहाँ पर लिख के दिया है मास बाय मास परसेंटेज तो लिख देते हैं। अच्छा सुनो, मोलरिटी निकालनी है, एक इंफॉर्मेशन दी है बस, कुछ नहीं है। मैंने कहा था आपसे डायरेक्टली यूज नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली बहुत यूज आएंगे, पढ़ना आता है ना इसको आपको, क्या मतलब है इसका देखते हैं सर। 15% m by m परसेंटेज मतलब 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कौन सा है H2SO4 डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब है इसका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अरे यही तो मतलब है ना इसका कि H2SO4 का 15 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, क्लियर। अच्छा मुझे निकालनी क्या है मोलरिटी, सर मोलरिटी होगी यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ग्राम में दिया है तो इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, बोलो हाँ है ना, H2SO4 के मोल्स भी नहीं है सर मेरे पास, निकल जाएंगे ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल्स टू, बोलो क्या H2SO4 के मोल क्या होंगे सर, गिवन मास कितना है 15 ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना होता है 98 ग्राम पर मोल,
ठीक है, तो आपके पास H2SO4 के बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर मुझे चाहिए मास, किसका? सॉल्वेंट का। किसका मास है ये? सॉल्यूशन का। यहाँ गलती मत कर देना, है ना, सारी कहानी खराब हो जाएगी, है ना। 100 ग्राम किसका मास है? सॉल्यूशन का। मुझे किसका चाहिए? सॉल्वेंट का। मोलरिटी निकाल रहा हूं ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होगा किसके? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ या ना? ठीक है, कितना होगा? 85 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास सॉल्वेंट का मास भी आ गया। रख दो वैल्यूज, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, 15 अपॉन में 98 अपॉन में 85, और मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगी? मोलरिटी मोल पर केजी। ठीक है, कर लेंगे सॉल्व, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन, एन एंटीफ्रीज, ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। यहां से एक इंफॉर्मेशन और मिली सर हमें, क्या? कि एथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन किसके काम आता है? एंटीफ्रीज करने के। एथिलीन ग्लाइकोल फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, C2H4OH का होल टॉइस, है ना, क्या है 10 and 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलरिटी निकाल लोगे हैं? अरे भाई बहुत आसान है, ये तो सॉल्यूशन देखो, बहुत ज्यादा आसान है सर, निकाल लेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, पॉज करके निकालो, फिर आओ देखो मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी विल बी इक्वल्स टू, बोलोगे क्या कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, कैसे पता? अरे भाई इसके मोल्स कम होंगे, है ना, मास मत देखना यहाँ पे सर, वाटर कम क्वांटिटी में जो ज्यादा होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट। यहाँ ये सवाल में कई बच्चे क्या कराते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? सॉल्वेंट। अब जब दोनों के मोल्स कैलकुलेट करोगे ना, तो इसके मोल्स बहुत कम होंगे एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, और केमिस्ट्री में कौन सी कैलकुलेशन को प्रायोरिटी देते हैं? मोल्स की कैलकुलेशन को, पता है ना आप लोगों को? शाबाश। देखो मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। ग्राम में दिया हुआ है तो मैंने ग्राम वाले देखा फॉर्मूला। अच्छा एथिलीन ग्लाइकोल के मोल्स कैलकुलेट कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे सर। एन एथिलीन ग्लाइकोल विल बी इक्वल्स टू गिवन मास कितना है? 2 to 2.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास, देखो इसका कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? 12। कितने कार्बन हैं? 2। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 4। कितने हाइड्रोजन है? 6। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 24 + 6 + 16, देखिए ना मैं सही हूँ क्या, 24 और 6 30 और 16 46, आई थिंक 46 होगा, एक बार आप चेक कर लें। 46, ये क्या आ जाएगा? इसके मोल आ जाएंगे। ठीक है, मोल निकाल लिए, इसका मास आपको गिवन है कितना? 200 ग्राम, तो मोलरिटी भी आ जाएगी, कर देते हैं। स्मॉल m विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट व्हिच इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 1000। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस पर और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पर शायद वीडियो की लाइक पहले बहुत ज्यादा हो गई है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके करने के लिए आपको दे दूंगा, अलग अलग टाइप के, ठीक है, वो आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें एक ही कराया है ना, जो एनसीईआरटी में से था, बाकी तो सब आसान सी बातें थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो प्लीज प्लीज एक बार 11th की एनसीईआरटी में से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को देख लें। मैं समझता हूँ बहुत डेप्थ का टॉपिक है, तो थोड़ी सी शायद दिक्कत आई हो, नहीं आई हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, है ना। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ उसको, फिर भी आप एक बार नहीं आई हो तो वहां से देखें, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझसे कहे, ठीक है, मैं एक बार फिर से उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, फुल डिटेल के साथ, चाहे मुझे एक लेक्चर उसका और बनाना पड़े, क्लियर होती है बात। ठीक है, तो पढ़ाई करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है, अपना काम टाइम पर करें। थैंक यू।